देखिए, विकास को हमने जन आंदोलन बनाना चाहिए, एक स्पिरिट पैदा होना चाहिए देश में। आप इंक्रीमेंटल कुछ भी करते जाएंगे तो परिणाम नहीं मिलता है। देखिए, देश 1000 साल तक गुलाम रहा, हिंदुस्तान का कोई न कोई भूभाग 1000 साल तक लड़ता रहा है आजादी के लिए। व्यक्तिगत रूप से कोई लड़ा है, कोई सामूहिक रूप से लड़ा है, लेकिन लड़ाई चलती रही। एक खत्म होता था तो दूसरा खड़ा होता था, दूसरा खत्म तीसरा खड़ा होता था। महात्मा गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई झाड़ू लगाता है तो कहता है मैं आजादी के लिए, कोई प्रौढ़ शिक्षा करता है तो बोले मैं आजादी के लिए, कोई लेप्रेसी के पेशेंट की सेवा करता है तो बोले मैं आजादी के लिए। उसको एक बहुत बड़ा व्यापक रूप दे दिया। कोई सिंपल खादी पहन ले तो बोले आजादी के लिए। और उसको कैसे लड़ना, ये अंग्रेजों को आया नहीं, बड़ा मुश्किल था। और जन आंदोलन बना तो हर व्यक्ति को लग रहा आजादी आई, आजादी आई। विकास भी, मैंने इतनी इंडस्ट्री की, मैंने इतना ये किया, ये एक तरीका है, लेकिन जन सामान्य में जब विश्वास पैदा होता है, यस 2047 हमें क्या कारण है विकसित नहीं बन सकते, ये मिजाज पैदा करने का मेरा प्रयास है। भौतिक मात्रा में मुझे सफलता मिल रही है और ये चुनाव जो है उस बात पर केंद्रित हुआ है कि हमें विकसित भारत बनाना चाहिए, अब पीछे नहीं रहना चाहिए। 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड ने उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी है। जब 11 नंबर की इकोनॉमी पर आप देश में कारोबार संभालते हैं और इतने कम समय में इकोनॉमी को 5 नंबर पर ले आते हैं, 11 से 5, तो लोगों को लगता है कि 5 से 3 पर जाना भी मुश्किल नहीं है, विकसित भारत होना भी मुश्किल नहीं है। और उसके कारण निर्णय आप जो भी करेंगे वो उसकी ओनरशिप जनता लेगी, और जब जनता ओनरशिप लेती है फिर गवर्नमेंट मशीनरी, पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत ही एक कैटलिस्ट एजेंट का रोल रहता है। और मैं ये दृश्य देश का देख रहा हूँ।